हेलो एवरीवन, अगर आपको भी इस तरह के वीडियो बनाना है जिसमें आप बोतल में से पानी फेंकते हैं और पानी फेंकने बाद आप उसमें कूदते हैं तो आप डायरेक्ट नीचे चल जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिंग करना पड़ेगा। एक्टिंग करने के बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिस साइज में आपको वीडियो बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपका 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको पहले मीडिया में जाना है और उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेने का है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम कम करना है, ओके करना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाने का है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिटिंग में जाने का है। फिर यहाँ पर आपको फिट इन स्क्रीन करना है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को सबसे लास्ट पार्ट जो है, जो आपका खाली वाला पार्ट है, उसका आपको कैप्चर लेना रहेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इस क्लिप को, ये वाला ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपको तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना रहेगा। इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसका कैप्चर इस वीडियो क्लिप के लास्ट भाग में आ गया है। अभी आपको आगे जाना है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि आपने ये पानी फेंकने के बाद जंप कब लिया। पहले तो आपको इस वीडियो क्लिप का जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो आपका काम का नहीं, जरूरी नहीं है, अभी जैसे मैं यहाँ कट कर लेता हूँ, इसको क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, उसको ट्रिम कीजिए राइट साइड करके, वो ट्रिम कर देंगे, ओके कर दीजिए। जो काम का पार्ट नहीं था, अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पानी डालता हूँ, उसके बाद आगे जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं जंप करता हूँ। ठीक है, तो जंप करता हूँ जब हवा में हूँ, ये अभी यहाँ पे रुक जाने का आपको। उसके बाद इस क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, फिर इसका वापस से इसका कैप्चर लेना रहेगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए। ये कैप्चर आपके गैलरी में सेव हो चुका है। अभी इस कैप्चर का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके सीख लीजिएगा कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आता हूं। पहले बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आप यहां पे ओके कीजिए पहले, फिर आपको यहां पर लेयर में क्लिक करना है, फिर यहां पे आपको मीडिया में जाने का है। मीडिया में जाने के बाद आपने इस कैप्चर का जो बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर देने का है। जो आपका ये फोटो है, इस फोटो के साइज के हिसाब से कर देने का है, उसे मैच होना चाहिए। आप कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे सेट हो जाने के बाद आपको इसको ओके करना है। इसके बाद आपको जो ओरिजिनल वीडियो है उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, फिर आपको ट्रिम में जाना है, फिर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करना है। ये हो जाने के बाद आपको इसको ओके करना है। इसके बाद जो बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। छोटा कर देने के बाद आपको क्या करना है, सबसे आगे वाले पॉइंट में जाने का है। आगे वाले पॉइंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे की का ऑप्शन दिख रहा है, की में क्लिक करना है। की में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला थोड़ा आगे ले जाना है। ठीक है, ये आगे ले जाना है। ये आगे ले जाने के बाद आपको इसको नीचे में ले जाना है, सीधा एकदम। ठीक है, नीचे जाने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, फिर इसको एक बार प्ले करके देखिए। ठीक है, अभी इसके आगे वाला पोर्शन हमको ठीक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वापस आगे वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, वापस लेयर में जाना है, फिर मीडिया में जाना है, फिर आपने जो एक कैप्चर लिया था खाली पार्ट का, वो कैप्चर आपके गैलरी में रहेगा, उसको भी यहाँ पर लाना है वापस से। मैं लाता हूँ। इस खाली वाले पार्ट का कैप्चर आ जाने के बाद आपको इसको नीचे में लाने का है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, फिर उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको स्प्लिट करना है। मैं करता हूँ। इसको आपको थोड़ा नीचे खींच लेने का है, जहाँ तक आपका पाँव है वहाँ तक खींच लेने का है।
जिससे पता ना चले। देखिए मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, पाँव के नीचे तक मैं ऐसा थोड़ा खींच लेने का है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देने का है। फिर आप इसको अब एक बार प्ले करके देखिए। अब आपको आगे वाले पॉइंट में आने का है। यहाँ आगे वाले पॉइंट में आ जाइए। इस आगे वाले पॉइंट में आने के बाद आपको वापस लेयर में जाने का है और मीडिया में जाने का है। मीडिया में जाके आपको उस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करने का है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पानी वाली वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पहले नीचे में जाने का है। नीचे में जाएंगे तो आपको नीचे में दिखेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन में जाना है, फिर आप इसको ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद आप आगे जाके देखिए, आपका ये जो वाटर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो उसके लिए आपको एडजस्ट में जाना पड़ेगा। आप नीचे जाइए, कलर एडजस्टमेंट में जाइए, ये सब थोड़ा बढ़ा दीजिए, हल्का हल्का बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये अभी आपको पानी दिखने लग गया, फिर यहाँ पे ओके कीजिए। इसके बाद आपको ये पानी वाला जो क्लिप है उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लाने का है, जहाँ पे आपका पानी का आप नीचे में गिर रहे हैं, जहाँ पानी वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको इधर पे ला देने का है, एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये ओके कर दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो और भी। ओके कर दीजिए। ये सेट होने के बाद आपको पानी का आवाज़ भी डालना है, म्यूजिक भी डालना है। वो म्यूजिक भी मैं डाल देता हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप आगे आइए, यहाँ पर आपको ऑडो में जाना है, फिर उस पानी का जो आवाज़ आता है उसका म्यूजिक आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप उसको वापस से प्ले करके देखिए। मैं प्ले करता हूँ। फिर पूरा वीडियो प्ले हो जाने के बाद आपका जो काम का पार्ट नहीं है उसका आप हटा सकते हैं, जैसे कि पानी खत्म हुआ यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से आप ट्रिम कर दीजिए इसको। ट्रिम में जाइए, ट्रिम टू राइट और प्ले हेड कीजिए। ओके, फिर ये नीचे वाला भी जो है उसको भी आप हटा सकते हैं। ट्रिम टू जाइए, ट्रिम टू राइट और प्ले हेड ओके कर दीजिए। इसके बाद आप शेयर में जाइए। शेयर में जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने हिसाब से वीडियो की क्वालिटी चॉइस करके एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मन में कुछ डाउट है, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।